नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आपके साथ मैं हूँ मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं दिल्ली की। 1984 सिख विरोधी दंगों में शामिल कहे जाने वाले कांग्रेस के बहुचर्चित नेता जगदीश टैचर के खिलाफ अकाली दल बादल और DSG MC द्वारा शुरू किया गया अभियान अब लगातार जोर पकड़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली गतका खिलाड़ियों ने दिल्ली गतका एसोसिएशन के बैनर के नीचे DSG MC के धर्म प्रचारक परमजीत सिंह राणा के नेतृत्व में पैदल रोष मार्च निकाला, जो गुरुद्वारा रकाबगंज से बंगला साहिब पहुंचा। इस मौके पर DSG MC के प्रधान मनजीत सिंह जी के, विक्रमजीत सिंह, परमजीत सिंह चंडोक सहित कई DSG MC के सदस्य मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं। आज दिल्ली गतका फेडरेशन जेड़े बच्चे बच्चियाँ अलग अलग स्कूलों कॉलेजों या कलोनिया दे विच गतका सीखते ने, अज वो जेड़ा मार्च करते पे ने इंसाफ वास्ते, सच वास्ते। मैं समझदा वा कि जिस तरीके नाल टाइटलर दी CD सामने आई है, दुनिया दे विच एक सुनेहा इदा दा लगता है, दुनिया नू एक उम्मीद इदा दी लगती कि हुण इंसाफ मिल सकता है। उस दिन मेरे कोल एक पोस्टर आया, कलई सिंह पोस्टर लगा के बैठा है कि मोदी साहब हुण तां इहनू अंदर कर दिओ। साहब कुलवंत सिंह सी उन्हां दा नां, ते मैं वो नंबर ते फोन कीता, बहुत खुश होए। वो कहिंदे तुसीं मेरा हौसला वधा दित्ता, और मैं भी हैरान सीगा कि कला सिंह बोर्ड लै के खड़ा है। तो मैं समझदा वा कि इस वेले आवाज़े खलक जिहड़ी है ना, वो रब दी खुदा दी आवाज़ हुंदी है। तो जदों खलकत दी आवाज़ बन जाए ना कि ये पापियां नू दंड मिलना चाहिए, तो मन लगता हुण जरूर मिलेगा। मैं लगता कि सरदार मनजीत सिंह जी के ने जिस तरीके जगदीश टाइटलर के जिहड़े सबूत सरकार दे दित्ते, और कितने ना कितने सरकार ते लगातार प्रेशर बने इस गल का कि हुण सबूतां दे आन तो बाद भी वो फैसला कर नहीं दे पाए। तो ये जिहड़े नौजवान बच्चे जिन्होंने 84 वेखी नहीं, जिन्होंने इंटरनेट तो गूगल तो पढ़ी है और समझी है, अज वो नौजवान बच्चे रोडां उतर के सरकार नूं इक हलूणा देना चाहुंदे ने। तो इत्थों गुरद्वारा रकाबगंज साहब तो चल के गुरद्वारा बंगला साहब निशान साहब तों इन्होंने अरदास करनी है। तो मैनूं लगता कितने ना कितने सरकार नूं जगाउण वास्ते ये वो बच्चे ने जिन्होंने 84 वेखी तो नहीं पर 84 नूं समझिया, और ये तो तुसीं समझ सकते हो कि 34 साल हो गए, मेरी उम्र 12 साल सी, अज मैं 46 ईयरस का हो गया। तो ये किन्ने साल होर चलेगा और किन्ने कमीशन होर बैठणगे, कितने सरकार फुल स्टॉप लाएगी कि नहीं लाएगी, ये तो हम सरकार जवाब देना है। साड़ी उम्मीद मोदी साहब तो इस करके है क्योंकि ये चुनावी वादा भी सी इन्हां दा कि जद ये पावर च आणगे सानूं 84 इंसाफ दवाणगे। तो जे ऐतक भी इंसाफ ना मिले जिते फुल हाउस साडे कोल होवे, फिर साड़ी उम्मीद जिहड़ी है वो इस कानून तो और इस डेमोक्रेसी तो खत्म हो जाएगी। टाइटल आम हुआ 1984 में, हमने खुद तो देखी नहीं, हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने हमें समझाया जो उसके बारे में जो कत्लेआम हुआ, उसके जो मुख्य दोषी थे सज्जन ठग, जगदीश टाइटलर, इनको अभी तक जो सज़ा नहीं मिली है उसके लिए जो आज तक सिख कौम जो पीड़ित हैं उनके परिवार या जो जो गुजर चुके हैं उनके परिवार आज तक जो इंसाफ मांग रहे हैं इंडिया की गवर्नमेंट से, वो सर वो इंसाफ नहीं मिले, उसके लिए हम एक आज हमने अरदास समागम रखा है जो सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे हम अरदास करेंगे, अरदास करके चलेंगे बंगला साहिब गुरुद्वारा तक, अरदास करके यहाँ से जाएंगे, वहाँ पर जाके महाराज के आगे अरदास करेंगे, जो सतगुरु सच्चे पातशाह को मंजूर होगा, जो हमारे आज जो हमने केस के लिए पटिशन करी है, जो अगर वो सिरे चढ़ती है तो बहुत बढ़िया है। ये थी दिल्ली से अमित महाजन की खास रिपोर्ट। आप देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया।